फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16 के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागृह का फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। पृष्ठ 95। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन है लुई 14 का। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14 ने बनवाया था। लुई 16 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16 की पत्नी मैरी एतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई की भड़कीला राजदरबार था। लुई 16 को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का प्रभूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टियर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वॉल्टियर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टियर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासनकाल 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। टालफगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक निल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप ने राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वो एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1915 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। पृष्ठ 96। 4. इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। मेजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडामोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। विक्टर एमिनियल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दी गई, कथन जोसेफ मेजिनी का है। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। 5. जर्मनी का एकीकरण।
जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा थी। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। पृष्ठ 97। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को राज्य अभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। 6. रूस की क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। वो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। वो जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। ये दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, तो जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंगल्स। पृष्ठ 98। 7. औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वार्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंद्वी था।
औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार, तेज चलने वाला शटल आविष्कारक जॉन वर्ष 1733 ईस्वी, स्पिनिंग जेनी आविष्कारक जेम्स हारग्रिव्स वर्ष 1765 ईस्वी, स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित आविष्कारक रिचार्ड आर्कराइट वर्ष 1767 ईस्वी, स्पिनिंग म्यूल आविष्कारक क्राम्पटन वर्ष 1776 ईस्वी, घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा आविष्कारक कार्न राइट वर्ष पता नहीं, सेफ्टी लैंप आविष्कारक हम्फ्री डेवी वर्ष 1815 ईस्वी। 8. इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। 9. प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। ये 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 ईस्वी से 5 ईस्वी कांत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। पृष्ठ 99। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पौंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। 10. चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन्यात सेन ने तुंग भेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोबिनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शीही काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यात सेन ने कू ओमिनतांग पार्टी की स्थापना थी। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरिदिनो को आमंत्रित किया।
डॉक्टर सन्याद सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना। डॉक्टर सन्याद सेन के तीन सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्याद सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन्याद सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन्याद सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेख ने 1926 ईस्वी में कू ओमिनतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कू ओमिनतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेख ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। पृष्ठ 100। चियांग काई शेख ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेख ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। 11। तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की के कार निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लॉजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्कों में 3 मार्च 1929 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। 1. 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 2. 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। 4. इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 5. ग्रिगेरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु के बाद 1938 में हो गई। पृष्ठ 101। 12. इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियास को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है।
13 जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। जर्मन सम्राट केंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र का एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैम्फ मेरा संघर्ष है। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबलस संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। 14 जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। पृष्ठ 102। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 15 द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। ये 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेलिस सेवेरी था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। इसी के साथ इतिहास की ये जानकारी समाप्त होती है। पृष्ठ 103। 2 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया।
इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कल नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।